सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हम आज जाने वाले एकदम एक मस्ती राइड पे और अपने साथ हमारे एनएस गाइस साथ में हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपने चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने भी सपोर्ट किया है। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है, अभी तो बहुत आगे जाना है, लेकिन जिसने भी सपोर्ट किया उसको मेरी तरफ से एक बड़ा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज हम जाने वाले एकदम एक मस्ती राइड पे अपने NS200 गाय के साथ। उसका असली नाम मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, नीचे मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले आप ये मुझे बता देना कि वीडियो का एंगल, ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। सो ये वाला मोटोवलॉग बेसिकली मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने मोटोवलॉगिंग सेटअप की, ताकि अगली बार मैं इससे अच्छा इसको बना सकूँ। इसकी ऑडियो क्वालिटी हो गई, वीडियो क्वालिटी हो गई, और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और इस मोटोवलॉग का मकसद ये है कि आप लोग इस पे कैसा रेस्पॉन्स देते हो, और उसी हिसाब से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। या तो जैसे मेरी वीडियो नॉर्मली आती हैं वैसी आएंगी। तो मुझे उतना कुछ खास मोटोवलॉगिंग के बारे में पता नहीं है, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना भी मुझसे हो सकता है मैं अपना प्रॉपर बेस्ट करूँगा और एक प्रॉपर मोटोवलॉग आपके लिए बना के रख दूँगा। सो अभी हम जाने वाले हैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग पे, एक शॉर्ट राइड हम करने वाले हैं, एकदम फुल अपना मोटोवलॉग सेटअप को टेस्ट करने वाले हैं। तो अभी हम जाएंगे नीचे, वहाँ तक आप भी देखते रहिए। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे अपनी NS200 गाय के साथ कि थोड़ी सी लीन गेम हो जाए, तो उसमें तो ये बंदा फेल है, लेकिन हम तब भी कोशिश करेंगे इसको आगे रखने। तो सबसे पहला घर और इसने आगे आके काम तमाम कर दिया। अभी बढ़ते हैं आगे फुल पावर मूड के साथ में, और अपने NS200 गाय तो दिखेंगे भी नहीं, अभी मैं भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल इसको 5-6 दिन के बाद ही निकाला है, क्योंकि यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब था, अब जाके कहीं अच्छी धूप निकली है 5-6 दिनों के बाद। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो यहाँ पे मैं रुकूंगा और इधर से ऊपर चलेंगे और थोड़ी सी रील्स शूट करेंगे और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी उठाएंगे, और अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और रील्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी। और थोड़ा सा ऑफ रोड रहेगा यहाँ पर, और ऊपर अभी पहुंचे हम कुछ इस तरीके की लोकेशन पे, और ये देखो हमारे भाई साहब क्या करने वाले हैं। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। सो फाइनली गाइस, अभी हमने प्लान किया कि थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, वो ऊपर देख रहे हो माउंटेन की तरफ, वहाँ जाते हैं, और जहाँ तक मुझसे हो सका मैं जाऊँगा। इसका मुझे पता नहीं है क्या करने वाला है, इसके इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे। अभी तो शुरू है मेरी जान। अरे 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 भाई भाई भाई, अरे रुक जा मेरे प्रावा। ओ भाई 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 भाई, बस बस, ओ ओ ओ ओ भाई भाई भाई, इजी इजी, कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई इधर रुक रही है बहुत सड़ी के गियर ला गोडियुक। अभी वो बंदा अटक गया उधर पे, उसको उतारनी नहीं पड़ रही। मैंने बोला उसको कि मैं अपनी बाइक साइड में हटा के आता हूँ, तो मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ और इसको बचाने चलता हूँ। साला मर गया, मेरे को भी मरवा गया था। और आप लोगों के लिए मैं एक ही सलाह दूंगा कि आप जब भी किसी जगह पे जाओ तो उधर पे ऐसे सीन मत करो, देख रहे हो ना क्या हो जाता है। ओ भाई भाई, आराम से आराम से, गियर ऑन गियर ला। लिटरली ये बंदा हंस रहा था गिरने के बाद, ये हालत है। अभी इतना बड़ा जबरदस्त सीन हो गया ये। आजा, अभी देखना बीजी। ओ भाई, वेल डन, आराम से ब्रो, और गिरेगा। सो गाइस, थोड़ा सा सीन हो गया, तो यही था आज के मोटो व्लॉग में। होप करता हूँ आपको मोटो व्लॉग बिल्कुल पसंद आया होगा। सो मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आप मुझे बता देना कि आपको मोटो व्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।